वह फर्क कितना है कि आप सरकार के इशारे पे हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है तस्लीम भाई, जिस दिन आप मेरी जगह काम करने लगेंगे, मेरे जैसा काम करने लगेंगे, उस दिन आपके सवाल भी चेंज हो जाएंगे सर। तस्लीम भाई ऐसा नहीं है, मेरी बात सर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जी न्यूज के सरकारी प्रवक्ताओं को इस बार एमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने जमकर सबक सिखाया है। और मामला क्या है वो आप समझते हैं, जानते हैं। आपको तो इतना पता ही है कि किस तरीके से इंदौर में एक चूड़ी वाले को धर्म विशेष और नाम के आधार पर टारगेट किया गया। तस्लीम नाम के उस शख्स को पीटा गया, उसके पैसे छीने गए, बकायदा उसने एफआईआर भी दर्ज कराई है और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है मारपीट करने वालों में से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद घंटे के बाद उसके ऊपर खुद जो पीड़ित है उसके ऊपर छेड़छाड़ का और पोस्ट कलेक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यानी गया तो था वो थाने इंसाफ के लिए, इंसाफ की गुहार के लिए, लेकिन उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खुद गृह मंत्री वहां का कहता है मध्य प्रदेश का कि उसके पास दो दो आधार कार्ड मिले हैं अलग अलग नाम से, हिंदू नाम से, और वो हिंदू नाम से वो हिंदू इलाकों में घूमा करता था, विशेष समुदाय का वो व्यक्ति था। लेकिन इस मामले को लेकर के गोदी मीडिया और नेशनल मीडिया किस तरीके से पेश करती है वो आप देख चुके हैं। हम आपको चंद पोस्टर दिखाते हैं जी न्यूज का, जो खुद इस मामले को सांप्रदायिक करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन असीम वकार ने ऐसा जवाब दिया है खुद जी न्यूज पर, ताल ठोक कर प्रोग्राम को होस्ट करने वाला एंकर अमन चोपड़ा को, कि उसकी बोलती बन गई कि आप आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, समझ में हमें भी वही आ रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है। वह फर्क इतना है कि आप आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं। कि आप आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं। अमन चोपड़ा को असीम वकार ने ऐसे अंदाज में जवाब दिया है कि उसकी बोलती नहीं निकलती। और असीम वकार के सवाल के आगे जवाब सुन करके उसके पास कोई अपना जवाब नहीं होता, अपना सवाल नहीं होता, और कहने लगता है असीम भाई ऐसा नहीं है, असीम भाई मेरी बात तो सुनिए, असीम भाई ये तो सुनिए, वो तो सुनिए, ये बात सुनिए, ये बात जान लीजिए, इस तरह की बातें वो करने लगता है। और क्या कर रहा है हम आपको इसका ये हिस्सा दिखा रहे हैं। वो फर्क कितना है कि आप सरकार के इशारे पे हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है तस्लीम भाई, जिस दिन आप मेरी जगह काम करने लगेंगे, मेरे जैसा काम करने लगेंगे, उस दिन आपके सवाल भी चेंज हो जाएंगे सर। तस्लीम भाई ऐसा नहीं है, मेरी बात सर। दरअसल जी न्यूज इस बात को तय करने के लिए बैठ गया था कि इंदौर की सच्चाई क्या है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, कोर्ट कचहरी क्या होती है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बस अपने चार लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को बैठा लेते हैं ये लोग, और फिर शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई थी कि छेड़छाड़ में भी मजहबी डिस्काउंट, इंदौर पिटाई का सच पर ट्वीट कीजिए, देखिए ताल ठोक कर। और बकायदा इसका पोस्टर भी जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था कि आप छेड़छाड़ में भी हिंदू मुसलमान, ये लिखा गया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है वो आपको हैरान करने वाला होगा। असीम वकार से पूछा जाता है कि असीम भाई आप क्या कहेंगे इस मामले में, कुछ आप भी तो कहिए। छेड़छाड़ में भी, मतलब वकार साहब आपको क्या समझ में आ रहा है इस खबर पे वकार साहब, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ ना, इसमें हिंदू मुसलमान कैसे। देखिए, समझ में हमें भी वही आ रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है। वो फर्क कितना है कि आप आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समझ तो दोनों की एक बराबर है। कानपुर में अभी जिस गरीब रिक्शे वाले को मारा गया, उसकी बेटी चीखती रही, वहां धर्म विशेष के नारे लगते रहे, उसको पिटाई होती रही, आरोप वहां भी लगा दिया गया छेड़छाड़ का, यहां भी आरोप छेड़छाड़ का लगा दिया गया। तबरेज अंसारी जो एक लड़का था, नौजवान लड़का था, उसको कत्ल कर दिया गया, उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया, कहीं छेड़छाड़ का आरोप, कहीं चोरी का आरोप। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो कह दिया जाता है गाय काटने जा रहा था। तो ये जो सवाल है, खुद एंकर को ही असीम वकार ने ये मजा चखा दिया और ये सबक सिखा दिया कि तुम बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हो, सरकार को खुश करने के लिए काम करते हो, सरकार के चमचे हो। और इतने बड़ा बात कहने की हिम्मत और किसी एंकर या किसी और प्रवक्ता में हम नहीं देख रहे हैं जो किसी एंकर को इस तरीके से कह दे, होस्ट को ही कह दे। इसके साथ ही हम आपको बता दें
कि जिस तरीके से जी न्यूज हर मामले को कम्युनल करने की कोशिश करता है, ये एक जोरदार तमाचा है असीम बकार की तरफ से। और असीम बकार का इतना सवाल, इतना सटीक जवाब देना, कटु शब्दों में जवाब देना, ये एंकर बर्दाश्त करता रहता है। असीम बकार के बात को सुनकर कोई दूसरा होता तो पलट कर जवाब देता, लेकिन ये तमाम तरीके से उनको समझाने लगते हैं, अरे भाई नहीं भाई, तस्लीम भाई, ये भाई वो भाई, सिफारिश करने लगते हैं। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और चोर की दाढ़ी में तिनका कौन है, चोर कौन है, ये आप समझ सकते हैं। चोर है जी न्यूज इस वक्त, और चोर है वो एंकर जिसके गले में अटक गई जवाब देने की बात, कि जवाब वो क्या देगा, उसके पास जवाब नहीं होता। और इस वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए जितना देर हम आपको दिखा रहे हैं, और तय कीजिए कि अमन चोपड़ा को कितना सटीक जवाब दिया गया है असीम बकार की तरफ से। वो फर्क कितना है कि आप सरकार के इशारे पे हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है तस्लीम भाई, जिस दिन आप मेरी जगह काम करने लगेंगे, मेरे जैसा काम करने लगेंगे, उस दिन आपके सवाल भी चेंज हो जाएंगे सर। तस्लीम भाई ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए सर, सुनिए ना मेरी बात। कानपुर में जिस रिक्शे वाले को मारा गया, तस्लीम भाई एक चीज बताइए, उसके जो अपराधी थे, उनके खिलाफ सिर्फ 151 में मुकदमा कायम हुआ, दूसरे दिन जमानत हो गई। इसके बाद दो दो आधार कार्ड कैसे मिले सर? आप थे वहां मौजूद, ये पुलिस का वर्जन, 14 पुलिस का वर्जन, वो आधार कार्ड मिले, वर्जन है सर। सुनिए सर, 14 सुनिए सर, सुनिए दीजिए एक बार, सईद हसन वकार को बोलने देते हैं, बोलिए सईद हसन वकार, दो आधार पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? जी जी सुनिए सर, अगर दो आधार कार्ड मिले हैं तो मैं समझता हूँ जिस कंपनी ने आधार बनाया कार्ड उसका, अगर वाकई में अलग अलग नाम के दो आधार कार्ड मिले हैं तो सबसे पहले तो वो एजेंसी का जो आदमी है वो गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर देशद्रोह लगना चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदार नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का एजेंट है? सुनिए सर बात, सुनिए, दो आधार कार्ड कैसे बन जाएंगे? अंगूठे का निशान लग रहा है आधार कार्ड पे सर, ये रेटिना चेक हो रही है सर। तो असीम वकार ने जो सवाल उठाया है कि भाई जिसकी जिसकी लिंचिंग होती है, जिसका जिसकी हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ हत्या करती है या भीड़ पीट देती है, वो पीटने वाला एक विशेष समुदाय का होता है, मार खाने वाला चप्पल जूते और गोली बंदूक और तीर तलवार जो भी सहन करने वाला होता है वो तो एक विशेष समुदाय का ही होता है। और जिस तरीके से कानपुर की घटना देखी गई उसको भी लेकर के ये कहते हैं कि कानपुर की घटना में देख लीजिए, उसको सरेआम पीटा गया, उसकी बेटी जो है चिल्लाती रहती है, मासूम बच्ची चिल्लाती रहती है कि मेरे अब्बा को छोड़ दो, लेकिन भीड़ पीटती रहती है और विशेष नारा भी लगाती है, धार्मिक जय श्री राम का नारा भी लगाती है, और वहां पर भीड़ को जरा सा भी तरस नहीं आता कि छोटी बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा जा रहा है, उस गरीब रिक्शे वाले को पीटा जा रहा है। इसके साथ ही तबरीज अंसारी के मामले में झारखंड में जिस तरीके से उसकी मॉब लिंचिंग की गई उस पर भी चोरी का इल्जाम लगा, ऐसे ही तमाम इल्जाम आपको मिल जाएंगे, जिसमें बच्चा चोरी के भी इल्जाम लगेंगे, यहां तक कि जानवरों की चोरी के भी इल्जाम लगेंगे, गायों की चोरी के भी इल्जाम लगेंगे, कुछ नहीं मिलता तो लोग ये कह देते हैं कि छेड़खानी कर रहा था, जैसा इंदौर की घटना में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या है? क्या इस तरह की घटनाओं को देख करके विशेष समुदाय चाहे कोई भी हो, अल्पसंख्यक में चाहे कोई भी हो, क्या वो अपने ऊपर हो रहे किसी भी अत्याचार के लिए क्या वो कानून के दरवाजे पर जाकर के उसकी चौखट खटखटा सकते हैं? क्या कानून के दरवाजे पर, अदालत की चौखट पर वो जाकर के इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं, या पुलिस के पास वो जाने की इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि पुलिस के जरिए पुलिस उनको इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि उसके पास कानून का शिकंजा है और कानून के शिकंजे से अपराधी बच नहीं सकता? तो क्या ऐसे अपराधियों को बचाया जाएगा, राजनीतिक संरक्षण के जरिए बचाया जाएगा? और जिस तरीके से इस व्यक्ति के ऊपर, इस चूड़ी वाले तस्लीम के ऊपर ही मुकदमा तोप दिया गया, ये सवाल है कि अब कोई इंसाफ नहीं मांगने जाएगा। और इंसाफ का तकाजा यही है कि अब धर्म रह गया है, राजनीति रह गई है, नेता जिसको चाहेंगे उसको इंसाफ दिलाएंगे, वो भी मनगढ़ तरीके से, या आप अब तक हिंदुस्तान की तारीख में देख चुके हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हां सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, इससे हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।